डेली वर्ल्ड टीवी के द्वारा हम देखेंगे कि रामगढ़वा रेल परिसर में क्लिंकर गिराए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। रेल परिसर में क्लिंकर उतारने को लेकर रेलवे द्वारा प्रस्तावित निर्णय के विरोध में गुरुवार को सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी कोचिंग संस्थान के बच्चों के द्वारा मौन जुलूस निकाले गए, जिसमें जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं स्थानीय लोगों ने इन हजारों बच्चों का हौसला बढ़ाया। बच्चों ने अपने मौन जुलूस में अपने बैनर तले दर्शाया कि हम बच्चे हैं, हवा में जहर न घोलें, हमें जीने दें, हमें खुले में सांस लेने दें, हमें स्वस्थ रहने दें। पे अगर हम लोग के स्कूल के पास अगर क्लिंकर उतारा जा रहा है अगर स्टेशन के पास, तो इसके विरुद्ध हम लोग पूरे अपने स्कूल के विद्यार्थी इसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा डस्ट है जो माइक्रो ग्राम से भी छोटा होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि ये क्लिंकर यहाँ न उतार करके किसी अन्य स्थान पर उतारा जाए। ये विरोध प्रदर्शन किसने किए जा रहे हैं? ये बच्चे और शिक्षक मिलकर के निकाले हैं, है ना, और हम हमारी संस्था जो है, हमारी जो संगठन है, इनके समर्थन में हम जो भी दल समाज के लोग इस काम में आगे बढ़ेंगे, हम उनके समर्थन में और हमारी संस्था उनके समर्थन में। रामगढ़वा रेल परिसर में जो क्लिंकर गिराने का जो बात चल रहा है, हमारे यहाँ स्थानीय सांसद से जो बात हुई टीवी कवरेज के दौरान, उन्होंने बताया कि मुझे डीआरएम ने खुद भी कर दिया हुआ है कि ऐसा कहीं प्रोजेक्ट ही नहीं है रामगढ़वा के लिए। बिल्कुल झूठ बात है, इस बात का गलत ढंग से अफवाह उड़ाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि रक्सौल में जो सामान गिरता है उसका जो एक्स्ट्रा बैगेज होगा वो रामगढ़वा में गिरेगा। रक्सौल में कोई क्लिंकर नहीं गिरना, कब का, आज से 4 महीना हो गया बंद किए हुए, और किसी परिस्थिति में इस तरह की कोई चर्चा, बल्कि मेरे को डीआरएम ने लिखित में दिया है कि इस तरह की मेरी कोई बात नहीं। मेरे पास, उनके पास क्या है पत्र मुझे मालूम नहीं है, और न मैं कभी देखा हूँ और न कोई देखा है। अगर कोई आप लोगों को अगर मिला हो ऐसा पत्र तो आप बताएं। मेरे पास तो वो पत्र उपलब्ध है जो रामगढ़वा को गिराने का आदेश है, अभी तक मेरे पास वो पत्र उपलब्ध है। आप या एमपी साहब अपना पत्र तो जनता के सामने, आप लोग सामने नहीं ला रहे हैं? नहीं, मैं तो अपना पत्र पहले भी व्हाट्सएप पे डाल चुका हूँ, फेसबुक पे डाल चुका हूँ, और पेपर के भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी अगर आप लोग कहेंगे फिर से मैं डाल दूंगा। तो सांसद महोदय जो पत्र की बात कर रहे हैं, जनता मांग उठाए कि वो पत्र जनता के सामने दिखाए, उसे लाना ही चाहिए। अगर इस तरह का पत्र उनको है कि नहीं गिरेगा, ये अच्छी बात है, हम उनको शुभकामना देंगे कि यहाँ नहीं गिरे, लेकिन ऐसा पत्र वो दिखाएं ताकि हम लोगों को संतुष्टि हो सके, हमारे जनता को वो आश्वस्त करें, वो पत्र दिखाएं। भूतपूर्व सैनिक जसवंत सिंह ने डेली वर्ल्ड टीवी से मुखातिब होते हुए क्लिंकर से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया, और उन्होंने यह भी बताया कि क्लिंकर को किसी भी हाल में रामगढ़वा रेल परिसर क्षेत्र में गिरने नहीं दिया जाएगा। यह स्कूल इस रेलवे लाइन से सटे हुए हैं, और यहाँ पर जो क्लिंकर उतारा जा रहा है, मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसका चौहद्दी में हाई स्कूल है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, प्रखंड मुख्यालय है, पौश इलाका है, ये सब प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर जो ये चंपारण का गौरव जगह था, जो नाम बनाया हुआ है, यहाँ के बच्चों का विकास मिट जाएगा। जो ये डस्ट उड़ेगा, इस डस्ट से हर बच्चे के फेफड़े में बीमारी, किडनी खराब हो जाएगा, दामा की बीमारी, कैंसर, इससे प्रभावित हो जाएंगे। आप हैं रामगढ़वा श्री गणेश महावीर उच्च विद्यालय के शिक्षक श्री ब्रजेश्वरम देव। सर, आपका विद्यालय रामगढ़वा रेल परिसर के काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पे क्लिंकर गिराए जाने की चर्चाएं तेज हो रही हैं, तो इससे बच्चों का पठन पाठन तो प्रभावित होना ही है। निश्चित बात है कि रामगढ़वा क्षेत्र की पहचान जो है सो रामगढ़वा हाई स्कूल, और ये 1952 का विद्यालय है, जो कि पूरे पूर्वी चंपारण में ही नहीं, ये पूरे बिहार में जो है सो अपना पहचान बनाया, और इसका अस्तित्व जो है सो क्लिंकर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, छात्रावास जो है उसमें बच्चे सोने वक्त में भी जो है एक स्वच्छ सांस नहीं ले सकता, स्वच्छ सांस लेने का भी जो उसको नसीब नहीं होगा। इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेंट इसमें है, जैसे कि हॉस्पिटल का अलग से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने जाएंगे नहीं, वहाँ से बीमारी लेने जाएंगे। सब का खाना का अस्तित्व खत्म, ब्लॉक का अस्तित्व खत्म,
हॉस्पिटल का खत्म, जो डेवलपिंग क्षेत्र है ये सबका जो है सो पूरी तरह से जो है सो ध्वस्त हो जाएगा, रामगढ़वा का एक अलग नक्शा बन जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थान एम के मिशन रेजिडेंशियल हाई स्कूल के डायरेक्टर डीएन कुशवाहा ने भी क्लिंकर को लेकर अपनी बातें बताई। यह क्लिंकर जो है मौत का मसाला है, जहां भी यह क्लिंकर उतरा है वहां के हजारों लोग मौत की नींद सूख चुके हैं। अभी तक रक्सौल में ये क्लिंकर उतरता था, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां बीमार पड़े, फेफड़े की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, श्वास की बीमारी हो गई। वह क्लिंकर DRM के द्वारा यहाँ लाया जा रहा है, रेलवे गवर्नमेंट अपने फायदा के लिए क्लिंकर को यहाँ उतार रही है, जिससे दोनों विद्यालय श्री गणेश महावीर विद्यालय के बच्चे, MK मिशन हाई स्कूल के बच्चे, अगल बगल के जितने भी बस्ती हैं, सरकारी अस्पताल है, कॉलेज है, हरिशंकर वर्मा कोऑपरेटिव कॉलेज है, ब्लॉक है, ये सब प्रभावित होंगे। खास करके यही करमगढ़वा जो है एजुकेशनल झुंड बन चुका है, इस रामगढ़वा हाई स्कूल के चलते कई हजार संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, पठन पाठन के लिए आते हैं और भी कई कार्यों से यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्लिंकर के गिरने से जो डस्ट उड़ेगी, उस डस्ट में कार्बो डस्ट से लेकर के कई प्रकार की डस्ट मिले रहेंगे, वो डस्ट श्वसन के द्वारा अंदर फेफड़ों तक जाकर के फेफड़ों को दुष्प्रभावित करेंगे। फेफड़ों के दुष्प्रभावित होने से कई तरह की रोग बीमारियां उत्पन्न, और रोग बीमारियों के उत्पन्न होने से धीरे धीरे यहां से बच्चे पलायन करना शुरू कर देंगे। और यह रामगढ़वा क्षेत्र जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्वल रहा है, धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में पीछा जाएगा। साथ ही साथ ये डस्ट इलाके के इर्द गिर्द चारों ओर फैलेंगे, इलाके के जो भी यहाँ बस्ती के लोग हैं भी इससे काफ़ी दुष्प्रभावित होंगे, रोग बीमारियों से ग्रसित होंगे। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के एकजुट इसका विरोध करेंगे कि यहाँ क्लिंकर का डस्ट से हम लोग दुष्प्रभावित न हो, ये हम लोग के साथ अत्याचार जुल्म न हो। सबसे तो पहले क्लिंकर जब भी यहाँ गिरे सर, जो सरकार ने फैसला किया है, निश्चित तौर पर इस गांव के परिक्षेत्र से विद्यालय ही नहीं, जितने भी आवासीय घर भी है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और मैं ये पूरी तरह आश्वस्त कर दूँ सर कि इसके लिए हमें विद्यार्थियों लोगों को लाइन पर क्यों नहीं सुना देना पड़े, लेकिन यहाँ पर क्लिंकर हम लोग नहीं गिरने देंगे, इससे हमारे विद्यार्थियों लोग का भविष्य खतरा में है। पठन पाठन तो बिल्कुल स्थगित हो जाएगा, या तो वो बच्चे आएंगे नहीं, उसके अभिभावक आने नहीं देंगे, अगर वह आता भी है और जिस समय क्लिंकर का लोड होगा उस समय में हवा बहती रहेगी ही, बहती रहती ही है, ऐसी स्थिति में धूल उड़ करके सब तो विद्यालय में ही जमा होगा, बच्चे रहेंगे कहाँ। यहाँ छात्रावास भी है, वो छात्रावास समाप्त हो जाएगा। यह विद्यालय जो है वह बिहार का ग्रामीण क्षेत्र का छठा विद्यालय है जी, आप सबको जानते हैं, आप सबको इसमें पढ़े हैं, ऐसा विद्यालय बिहार में खोजने से मिलेगा। आज के समय में भी सबसे अच्छी स्थिति हमारे विद्यालय की, आज भी पठन पाठन खूब चल रहा है, लेकिन जिस समय में धूल कण डस्ट उड़ेगा उस समय में क्या स्थिति होगी, सभी रोग से ग्रसित हो जाएंगे, सबको TB और दमा की बीमारी हो जाएगी। पांडे जी आप बताइए, जो क्लिंकर के लिए जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, ये तो रेलवे का व्यवसाय है, तो इसे आप लोग किन कारणों से नहीं गिरने देना चाहते हैं? रेलवे का व्यवसाय वो अलग चीज़ है, व्यवसाय वो अपने करे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ स्कूल है, सारे मैंने गांव बस्ती है, तो सारे लोग जब बीमार हो जाएंगे तो उस व्यवसाय से हम लोगों को क्या मिला, आम नागरिक को क्या मिला? तो व्यवसाय हो ना हो, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी क्लिंकर का उतरना यहाँ ठीक नहीं। क्लिंकर को रोकने के लिए अगर मुझे इस मंडल के हर घर घर जाना होगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्लिंकर यहाँ उतरने हम नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी DRM को बताया कि भाई अगर आप जोर जबरदस्ती अगर आप यहाँ गिराना चाहते हैं तो ये रेल परिसर आपका है, आप गिरा सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग से मैं एक भी गाड़ी जाने नहीं दूंगा। तो आप लोगों ने मंत्रालय को या रेलवे प्रशासन को रेलवे परिसर के अगल बगल जो बस्तियां हैं इसके लिए नो ऑब्जेक्शन का कोई, ये आप लोगों ने कोई प्लान किया? नो ऑब्जेक्शन का क्या है, PMO में रामगढ़वा का मामला दर्ज है, पहले रक्सौल का चल रहा था और आज रामगढ़वा का चल रहा है, रेल मंत्रालय को भी है
और पीएमओ को भी। और अब जहाँ मैं खड़ा हूँ देख लीजिए, मेरे दाई तरफ रेल है और बाई तरफ आपका उच्च विद्यालय है, और ये बीच का जो मैदान है ये मैं रेल के ज़मीन पर खड़ा हूँ, और इससे चार कदम जाने के बाद फिर विद्यालय का ज़मीन है, और अगल बगल और बगल में बस्ती है, और ये पूरा एजुकेशनल जोन है, वहाँ का विरासत है, और इसको बचाने के लिए तो रामगढ़वा का एक एक व्यक्ति सड़क पे आएगा और इस मैदान में आएगा और इसको रोकेगा। कैमरामैन रूपेश सागर, राहुल चौबे के साथ मुकेश कुमार त्रिपाठी, डेलीवर्ल्ड टीवी के लिए।